बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आपसे अकाउंटिंग के चैप्टर नंबर 4 की डेफिनेशंस डिस्कस करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आईकॉम पार्ट 1 की अकाउंटिंग की चैप्टर नंबर 4 की डेफिनेशंस। मेरे पास पेज नंबर 529 है। चैप्टर नंबर 4 की जो फर्स्ट डेफिनेशन है उसमें जो है वो लिखा हुआ जी जर्नल के बारे में बताएं। तो जर्नल किसको कहते हैं, यहाँ पर मैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर रहा हूँ। इस यहाँ पर लिखा हुआ जी द बुक इन विच ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकली टुगेदर विद इट्स शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इज कॉल्ड जर्नल। कहता है वो बुक इन विच ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड, जिसमें हम सबसे पहले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, यानी बिजनेस का जो भी लेन देन होगा वो सबसे पहले इस बुक में रिकॉर्ड होगा। क्रोनोलॉजिकली का मतलब होता है तरतीब के साथ रिकॉर्ड करते हैं, यानी डे वाइज रिकॉर्ड करते हैं। जिस दिन का लेन देन होता है, जिस दिन की ट्रांजेक्शन होती है, उसी दिन रिकॉर्ड होती है। टुगेदर विद इट्स शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, एक छोटी सी वजाहत के साथ, जिसको आप नरेशन भी कहते हैं। जर्नल के चैप्टर में डिटेल से मैं पढ़ा चुका हूँ, समझा चुका हूँ। जर्नल की वीडियोज़ देखेंगे तो आपको आइडिया होगा, जो फर्स्ट टाइम इस डेफिनेशन को पढ़ रहे हैं। आगे उसके फर्दर नेम्स लिखे हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइम एंट्री और प्राइमरी एंट्री, प्रीमिलरी एंट्री और फर्स्ट एंट्री, ठीक है। ये पांच छह नाम लिखे हैं, मैं एक दो नाम बस इसके आप याद रखें, और जर्नल की जो फर्स्ट टू लाइंस में डेफिनेशन है वो आप याद रखें। तो और इसको एज इट इज लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। जर्नलाइजिंग किसको कहते हैं, जर्नलाइजिंग एक एक्टिविटी है, वो अमल जिसमें हम ट्रांजेक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, वो अमल जो है, वो एक्टिविटी जो है, वो आपकी जर्नलाइजिंग कहलाती है। जैसे कि बुक को पढ़ना, वो आपकी रीडिंग कहलाएगी, ठीक है। अगर कोई तैराकी कर रहा है तो हम उसको कहेंगे वो स्विमिंग कर रहा है, ठीक है। तो स्विमिंग जो है वो एक्टिविटी है। इसी तरह से खाना जो है वो खाया जा रहा है तो हम उसको ईटिंग का नाम देते हैं। तो यहाँ पर जो है वो जर्नल में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का जो अमल है वो जर्नलाइजिंग कहलाता है, ठीक है। उसके बाद एंट्री के हवाले से, एंट्री का जो वर्ड है वो एंटर से निकला है। एंटर का मतलब होता है किसी चीज़ को दर्ज करना। तो यहाँ पर लिखा हुआ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन इन द एप्रोप्रिएट प्लेस ऑफ द कंसर्न बुक ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड एंट्री। ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना कंसर्न बुक, मुतलिका बुक में, यानी जर्नल में ट्रांजेक्शन है, और फिर एक मखसूस तरीके से रिकॉर्ड करना उसको जो है वो हम, और मखसूस जगह पर रिकॉर्ड करना, हम उसको एंट्री का नाम देंगे। उसके बाद आगे आ रही है जी सिंपल एंट्री और कंपाउंड एंट्री। सिंपल एंट्री किसको कहते हैं, वो एंट्री जिसमें एक वैल्यू डेबिट होती है और दूसरी वैल्यू क्रेडिट होती है, यानी कि कैश टू सेल्स, कैश डेबिट है और सेल्स क्रेडिट है इस एंट्री में, तो एक डेबिट हो रही है वैल्यू, दूसरी क्रेडिट हो रही है, इसको हम सिंपल एंट्री कहेंगे। और कंपाउंड एंट्री किसको कहते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा वैल्यूज़ जो है वो या तो डेबिट हो रही होती हैं या फिर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ क्रेडिट हो रही होती हैं। डिस्काउंट वाली एंट्रीज हम लोगों ने देखी हैं, लाइक अगर उसमें कैश डेबिट हो रहा है, साथ डिस्काउंट अलॉट भी डेबिट हो रहा है, और जो है वो आप पर्सन का या ए पार्टी का अकाउंट जो क्रेडिट करते हो, ठीक है। तो अगर कोई ऐसी एंट्री आपको मिल जाती है जिसमें दो डेबिट हो रहे हों या दो क्रेडिट हो रहे हों, उस एंट्री को जो है वो आपने कंपाउंड एंट्री का नाम देना होता है। तो एन एंट्री विच इज़ विच हैज़ द वन मोर देन वन अकाउंट इज़ डेबिटेड और मोर देन वन अकाउंट इज़ क्रेडिटेड इज़ कॉल्ड कंपाउंड एंट्री। नरेशन की डेफिनेशन है जी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन के बाद में जो आप छोटी सी एक वजाहत लिखते हो उसको आप नरेशन का नाम देते हो। लेजर फोलियो या लेजर रेफरेंस किसको कहते हैं, कहता है जी पेज नंबर ऑफ द लेजर, लेजर का जो पेज नंबर होता है जो जर्नल के अंदर हम लिखते हैं। जर्नल का फॉर्मेट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो जर्नल के फॉर्मेट में हम L/F के नाम से या L.R के नाम से जो है वो हम एक छोटा सा कॉलम बनाते हैं। तो लेजर रेफरेंस या लेजर फोलियो उस पेज को कहते हैं, उस कॉलम को कहते हैं, ठीक है। बेसिकली होता क्या कि जर्नल में जो हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी होती हैं वो लेजर में भी लेकर जाते हैं। तो जर्नल से जब डाटा लेजर में शिफ्ट हो रहा होता है तो फिर लेजर में उस ट्रांजेक्शन का जो है रेफरेंस नंबर लिखा जाता है कि जर्नल से, जर्नल में जो है वो हमने ये एंट्री लिखी हुई थी, ठीक है, इसलिए हम इसको लेजर में लिख रहे हैं। तो अब यहाँ से एक दूसरी एक से एक बुक से दूसरी बुक का लिंक जो डेवलप किया जा रहा होता है ना, ठीक है, वो इस रेफरेंस नंबर के थ्रू किया जा रहा होता है। और ये कॉलम हम छोटा सा बनाते हैं जर्नल के फॉर्मेट में। आप लोगों ने इस चीज़ को सॉल्व किया हुआ है, वीडियोज़ में मैंने डिटेल से समझाया हुआ है जर्नल और लेजर की वीडियोस में। उसके बाद जो है वो अब अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या लिखा हुआ था, पेज नंबर ऑफ द लेजर वेयर टू कंसर्न्ड अकाउंट्स हैव बीन पोस्टेड आर मेंशन इन दिस कॉलम, दिस विल हेल्प इन लोकेटिंग द एंट्री इन द लेजर इजीली, इट इज़ यूज्ड इन जर्नल। तो हमें आसानी से पता लग जाता है कि हमने जो है वो ये एंट्री कहाँ से उठाई है, उसका पेज नंबर क्या है, ठीक है। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी आज की चैप्टर नंबर 4 की डेफिनेशंस। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपसे क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 5 की जो डेफिनेशंस हैं वो डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।